हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज़ ऑन। आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं युवराज बैच में जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। बच्चों आपके सामने लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है हिंदी में? परिचय। तो हमें परिचय करना है, जान पहचान करनी है। जान पहचान करना मतलब परिचय करना किसके साथ? इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। देखिए एमएस वर्ड क्या है ये तो हम थोड़ी देर में जानेंगे, मगर एमएस का पहले पूरा नाम जान लीजिए। एमएस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक कंपनी है, मैंने पहले ही बताया था, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो बच्चों जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसको शॉर्ट में हम एमएस वर्ड बोलते हैं, तो ये भी क्या है? ये एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? सॉफ्टवेयर है। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है, वो किसके अंदर आता है? एमएस ऑफिस के अंदर। किसके अंदर? एमएस ऑफिस। अब आप कहोगे सर ये एमएस ऑफिस क्या है? तो बच्चों जो एमएस ऑफिस है वो कुछ प्रोग्राम का पैकेज है। कुछ प्रोग्राम का क्या है? पैकेज है। जैसे आप पटाखे खरीद करके लाते हैं मार्केट से, तो आपने एक कार्टून लेकर के आए, उसके अंदर सब कुछ बंद कर दिया, उसके अंदर चक्री है, अनार है, उसके अंदर वीआईपी बॉम्ब है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रस्सी है, सांप है। तो जैसे आप पैकेज लेके आ रहे हैं मार्केट से, बहुत बड़ा आपने पैकेज लाए हैं, उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे एमएस ऑफिस क्या है? एक पैकेज है। किनका पैकेज है? प्रोग्राम का पैकेज है। किसका पैकेज है? प्रोग्राम का। और इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं? एक इसके अंदर प्रोग्राम होता है एमएस वर्ड। क्या होता है? एमएस वर्ड। दूसरा होता है एमएस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या होता है जी? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये पावर पॉइंट भी होता है। तीसरा होता है एमएस एक्सेल। क्या होता है? एमएस एक्सेल। और काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है ना? अभी आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। तो एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर ये सारे के सारे प्रोग्राम हुआ करते हैं और ये बहुत काम के प्रोग्राम हैं। तो एमएस ऑफिस में जो नंबर वन, आप इस एमएस ऑफिस को ओपन करेंगे तो इसमें नंबर वन जो प्रोग्राम आएगा उसका नाम है एमएस वर्ड। क्या नाम है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बच्चों वैसे तो एमएस वर्ड बहुत पुराना प्रोग्राम है जो कि करीब ईयर 2000 के पहले ही बन चुका था, मगर उसके बाद एमएस वर्ड के कई सारे वर्जन आए हैं, कई सारे टाइप्स निकले हैं। एमएस वर्ड 2000 आया, फिर एमएस वर्ड 2003 आया, फिर एमएस वर्ड 2005 आया और एमएस वर्ड 2007 आया। बट अब रिसेंटली जो सबसे अच्छा एमएस वर्ड चल रहा है वो क्या है? 2010। इवन मेरे भी कंप्यूटर में आप देखेंगे तो आपको एमएस वर्ड 2010 मिलेगा। क्या मिलेगा? चलिए तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आप एमएस वर्ड का ऑफिस कैसे जाएंगे, एमएस वर्ड कैसे खोलते हैं। तो अपने हाथ में माउस लीजिए बच्चों और माउस लेकर के स्टार्ट क्लिक पे जाइए। यहां पे स्टार्ट क्लिक पे क्लियर क्लिक करिए। हाँ, इस पर क्लिक करिए एक बार और। यस, अब ये खुल जाएगा, देखिएगा आराम से। तो ये ओपन हो जाएगा, एक सेकेंड। हाँ, ये ओपन हो रहा है। एक मिनट आराम से। तो ये ओपन हो चुका है। अब आपके पास देखिए यहाँ पर आपके सामने ये प्रोग्राम है। ये क्या है? सारे के सारे प्रोग्राम है। आप माउस के रोलर से इनको नीचे लेके जाइए। क्यों भाई? क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे प्रोग्राम तो हैं बट आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। तो आप एम नंबर पर जाइए। एम, ये सी आ गया है, ये डी आ गया है, ये ई आ गया, ये देखिए ये मिल गया है पहला प्रोग्राम जिसका नाम है एक्सेल। क्या नाम है? एक्सेल। ये शॉर्ट में इसको एक्सेल बोलते हैं बट इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओके। ये देखिए ये है बना हुआ है फोल्डर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल। इसमें क्लिक करिए, आपको पूरे के पूरे प्रोग्राम जो हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पूरे प्रोग्राम यहाँ पर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए इधर पर नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ है इस प्रोग्राम में मेरे, तो शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए, आपको कुछ माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम आपके सामने दिख जाएंगे बट हमें केवल वही प्रोग्राम देखने हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है। ये देखिए जी, एमएस ऑफिस का प्रोग्राम दिख रहा है वन नोट। क्या नाम है जी? वन नोट। ये नए नए ऐड होते जा रहे हैं, पहले इतने सारे नहीं थे, आजकल बहुत सारे प्रोग्राम ऐड हो गए। ये देखिए वन नोट फॉर विंडोज 10। क्या है? विंडोज 10। और ढूंढता हूँ भाई, और कहाँ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? ओके भाई, कहीं ना कहीं तो जरूर है भाई। ओके, ये देखिए ये पावर पॉइंट बैठा है। क्या बैठा है?
पावर पॉइंट, तो इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ये बैठा है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। तो बच्चों इतने सारे जो फंक्शंस हैं ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं, ठीक है ना। और इसके किसके अंदर के हैं, ये आपके एमएस ऑफिस के अंदर है। किसके अंदर है? एमएस ऑफिस के अंदर है। एक तरीका और है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम देखने का, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं आपके कंप्यूटर में। इसको बंद कर दीजिए, इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, अपने माउस से राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करते ही एक बार देखिए, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक में ध्यान रखा करिए। आप लोग गलती से राइट की जगह लेफ्ट दबा देते हैं, राइट दबाइए, राइट ये वाला होता है जी हाँ, थोड़ा खाली जगह में दबाइए तो अच्छा लगेगा। हाँ अभी राइट दबा दिया आपने। अब राइट दबाने के बाद जो है आप न्यू पर आइए, न्यू पर, ये देखिए आप न्यू पर आ चुके हैं। और न्यू पर आके जैसे आप क्लिक करेंगे आराम से और देखिए आपके सामने कितने सारे खुल रहे हैं। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमें पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ये हमें नहीं पढ़ना, नीचे है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये भी हमें नहीं पढ़ना, और लास्ट में है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मतलब पांच चीज़ें तो यहीं पर हमारे सामने हैं जो कि पूरे माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज के अंदर होती हैं, ये छोटे छोटे प्रोग्राम, और ये पैकेज कहलाता है एमएस ऑफिस। क्या कहलाता है? एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके अंदर हमें ये प्रोग्राम पढ़ने हैं। तो आज हमारा टारगेट है क्या पढ़ने का, केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आप जानना चाहते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता क्या है बच्चों? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक क्या है, वो आपको एक टेक्स्ट पेज है, उसमें आपको एक टेक्स्ट पेज मिलेगा। क्या मिलेगा? टेक्स्ट पेज। टेक्स्ट पेज मतलब जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। एक आपके पास एक टेक्स्ट पेज मिलेगा, एक आपको पेज मिलेगा बड़ा सा, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो लिख चुका है उसको मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, उसके बीच में कुछ भी ला सकते हैं, उसमें कोई इमेज ला सकते हैं, उसमें आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, उसमें आप टेबल बना सकते हैं, उसमें आप चार्ट बना सकते हैं, उसमें आप पाई चार्ट बना सकते हैं, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ओके। मगर जो भी करेंगे ये समझ लीजिए कि आप उसको लिख सकते हैं या उसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को, ऐसे सॉफ्टवेयर को जो कि आपको लिखने की मिटाने की ताकत देता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो एक्चुअली जो एमएस वर्ड है वो एक सॉफ्टवेयर है, और वो कैसा सॉफ्टवेयर है? वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आइए देखते हैं आज हमारा एम क्या है, हमें क्या क्या करना है। नंबर वन, यूजेस ऑफ एमएस वर्ड 2010। तो 2010 का यूज़ पढ़ेंगे कि भाई इसका काम क्या है। पार्ट ऑफ एमएस वर्ड 2010, इसके हम पार्ट पढ़ेंगे, इसके क्या क्या हिस्से हैं। सेविंग अ डॉक्यूमेंट, बहुत ईजी काम, इसमें वर्ड हम डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, ओके। स्टार्टिंग विद एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड को हम स्टार्ट करेंगे। वर्किंग विद एमएस वर्ड, एमएस वर्ड पर हम काम करेंगे। ओपनिंग सेव्ड डॉक्यूमेंट, कोई अगर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है तो उसको हम ओपन करेंगे। और क्लोजिंग एमएस वर्ड मतलब डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। आइए तो हमारे सामने मैं आपको सबसे पहले किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना या डॉक्यूमेंट को क्लोज करना भी सिखा देता हूँ। तो देखिए डॉक्यूमेंट ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसका एक अलग तरीका है, आप कहीं भी जा सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए फिलहाल अभी पढ़ते हैं आगे, ओके। सो व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वी यूज़ अ नोटबुक टू राइट वर्ड एंड सेंटेंसेस। सिमिलरली एमएस वर्ड अलाउज अस टू टाइप टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर। देखिए जैसे आप को अगर कभी अपने लाइफ में लिखने की ज़रूरत हो कहीं पर कुछ, तो आपको क्या चाहिए? कॉपी पेन चाहिए कि नहीं चाहिए? बट आपको जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर आपको लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर देता है। क्या देता है? वो कहता है मुझे कॉपी पेन नहीं चाहिए, मुझे एक सॉफ्टवेयर है, आप उसमें सॉफ्टवेयर में कीबोर्ड की मदद से लिखो। किसकी मदद से लिखो? कीबोर्ड की मदद से, समझ गए ना? कीबोर्ड की मदद से जो भी आप लिखते हैं उसको टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट, समझ गए ना? जो भी आप मैसेज उसमें लिखेंगे, जो भी चीज़ लिखेंगे, वो टेक्स्ट मैसेज होगा। कौन सा मैसेज होगा? टेक्स्ट मैसेज। इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब ये सिस्टम के ऊपर का सॉफ्टवेयर है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करेंगे, समझ गए ना? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब ये एक ऐप्स है। क्या है ये? ऐप्स है। सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट, जिसकी मदद से आप टाइप कर सकते हो,
एडिट कर सकते हो, मतलब जो लिख चुके हो उसको बदल दोगे, और फॉर्मेट टेक्स्ट मतलब कि अपने टेक्स्ट की फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब उसे छोटा कर सकते हो, उसे मोटा कर सकते हो, उसका कलर बदल सकते हो, उसे पतला कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट है, इसे मैं फॉर्मेट कर दूँ, ओके, फॉर्मेट करने के लिए मैंने इसको मिटा दिया, ये क्या कर दिया मैंने इसको मिटा दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरा कलर ले लिया, और मैंने यहाँ पे कलर लेने के बाद फिर आपका नाम लिख दिया कि ये चल रहा है युवराज बैच, ओके। तो इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग, क्या बोलते हैं इसको, आप मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हो, इसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे, यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूज़ पढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ क्या क्या है भाई साहब, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ यूज टू, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, आप जितने भी ऑफिस में जाएंगे सभी ऑफिस में इसी पर काम होता है, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिस हो जाए, समझ गए ना। इस सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, इस पे ही काम होता है। मैं जैसे टीचर हूँ तो मैं पेपर बनाता हूँ, तो मैं भी इसी सॉफ्टवेयर पे पेपर टाइप करता हूँ, ठीक है जी। मैं बच्चों की रिजल्ट शीट बनाता हूँ, मैं इसी सॉफ्टवेयर से बच्चों की रिजल्ट शीट बनाता हूँ। तो क्या होता है भाई, इसका यूज़ क्या होता है, टाइप लेटर्स, स्टोरीज, रिपोर्ट्स एटसेट्रा इन सिंपल वे, लेटर लिखने में, स्टोरी लिखने में और रिपोर्ट बनाने में। जैसे आपकी रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेक करता और आपको एक पेज निकाल के देता, देता कि नहीं देता, उसमें सब लिखा रहता। तो वो किससे, कंप्यूटर में से पेज तो निकालता है, मगर कंप्यूटर में वो किस सॉफ्टवेयर पे काम करता है, इसी पे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला, मेक चेंजेस इन टेक्स्ट वाइल टाइपिंग एंड आफ्टर टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग कर चुके हैं तो उसमें चेंज कर सकते हैं, आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं जो मन में आए। गिव प्रेजेंटेबल लुक टेक्स्ट यूजिंग डिफरेंट कलर स्टाइल, आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत सुंदर बना सकते हैं, उसे प्रेजेंटेबल लुक दे सकते हैं, शानदार एकदम। इंसर्ट पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट, आप अपनी मनचाही पिक्चर उसमें डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। चेक द डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर, आप अपने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग को और ग्रामर को चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल सही है कि नहीं है, कहीं इज की जगह आर तो नहीं लगा दिया, आर की जगह एम तो नहीं लगा दिया, इवन स्पेलिंग तक चेक कर सकते हैं कि आपने मान लो एम्ब्रेला लिखा है तो एम्ब्रेला सही है कि गलत है, अगर गलत होगा तो उस गलत स्पेलिंग के नीचे ऐसे कुछ बन करके आ जाएगा रेड कलर का जो बताएगा कि आपकी स्पेलिंग गलत है। हाँ, कॉपी एंड मूव द टेक्स्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड, आप क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। दूसरा, सेव एंड टेक्स्ट फॉर फ्यूचर यूज, मान लो आपको एप्लीकेशन बार बार लिखना पड़ता तो आपने एक बार एप्लीकेशन लिख ली, उसको आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया, बस फिर आप डेट बदलते गए जब मर्जी हुई, क्या करते गए, डेट बदलते गए, ठीक ना। तो आप उस एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। प्रिंट अ पार्ट और होल ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या तो उसके छोटे से टुकड़े को या पूरे डॉक्यूमेंट को। आइए देखते हैं स्टार्टिंग एमएस वर्ड 2010, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट 2010 में आप स्टार्ट कैसे करेंगे। अब देखिए, मेरे पास जो विंडो है वो तो 2010 है, ठीक बात है भाई, बट मेरे पास विंडोज़ में देखिए ये है ऑफिस, हाँ ऐसा सिंबल बन के आ गया है, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसके लिए करना क्या करेगा, एक बार चलिए माउस ले लो युवराज, आप ही करेंगे यहाँ पे, हाँ जाइए क्लिक करिए, यस ये क्लिक करने के बाद आप ऑफिस पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑफिस है, ये क्या पैकेज है, ये क्या पैकेज, क्लिक करिए, ओके ये आपने क्लिक कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब आपके सामने खुलने जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुलेगा, धीरे से वेट करिए क्योंकि माउस के ऊपर रिंग शो हो रही है, मतलब आपको वेट करने को बोला गया है, वेट करिए। वर्किंग इन बैकग्राउंड, वेरी गुड युवराज ने बताया, वर्किंग इन बैकग्राउंड मतलब सिस्टम कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में काम कर रहा है। चलिए इसको मैक्सिमाइज करते हैं, देखते हैं क्या है भाई, कैसे काम कर रहा है ये, ओके हाँ ओके यस, लिक करके मैसेज आ चुका है गुड इवनिंग, ओके ये देखिए गुड इवनिंग आ गया और वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट, वी आर ग्लैड। ओ भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है सॉफ्टवेयर, मैंने पहले भी इसको नहीं चलाया आज तक, इसलिए इतना खतरनाक आ रहा है। ओ चलो 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 चलो, क्रिएट हियर ओपन एनीवेयर, ठीक है भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं। चलिए ये देखिए आपके सामने, पता है बच्चों आपको ये इतनी खतरनाक वाली विंडोज़ क्यों दिख रही है, इतना एडवांस टाइप का, क्योंकि मैं विंडोज़ 10 चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ, विंडोज़ 10, और आपके पीछे जो बैकग्राउंड में बना हुआ ना ये सब विंडोज़ 7 में चला रहे हैं, किस में चला रहे हैं,
तो विंडोज 7 जो था एक लिमिटेड फीचर वाला था, उसमें कम फीचर्स थे, उसमें कम सुविधाएं थी, इसलिए वो ऐसे दिखता था बिल्कुल सीधा साधा। बट आप देखिए आपके सामने विंडोज 10 है, विंडोज 10 में कितना भयंकर सब कुछ दे रखा है। तो हालांकि मदद कर रखी, वो कह रहा है कि बताइए क्या ले चाहिए, क्रिएट न्यू, आपको क्या क्रिएट करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको वर्ड चलाना है, देखिए लिखा ना वर्ड मतलब एमएस वर्ड, आपको पावर पॉइंट चलाना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आपको एक्सेल चलाना है, आपको फॉर्म्स चलाना है, आपको क्विज फॉर्म चाहिए, आपको पेज चाहिए, और भी बहुत सारे हैं भाई, देखो आते ही जा रहे हैं। ओके, ये इतने सारे आते जा रहे हैं। चलो भाई ये देखिए खूब सारे हैं, नीचे क्या क्या बना हुआ है भाई, मैं तो जानता भी नहीं इतना सारा कुछ भी। ओके चलिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट। क्या चाहिए मुझे, तो चलिए डॉक्यूमेंट में देखिए दो तरफ से, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। तो आइए लेफ्ट क्लिक करिए डॉक्यूमेंट पे, यस, तो ये लेफ्ट क्लिक कर दिया है डॉक्यूमेंट पे, और अब थोड़ी देर में आपका डॉक्यूमेंट लॉन्च हो जाएगा यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट अपना लॉन्च होने वाला है। ओके, और जिससे हम एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे। लो जी आ गया डॉक्यूमेंट अपने सामने, आ गए हैं न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जनरल नोट्स, एपीए स्टाइल पेपर, ये अलग अलग स्टाइल दी गई हैं, जिसमें आप सबसे पहला वाला चुन लीजिए। ये आपने पहला वाला क्लिक कर दिया है, तो फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट आपके लिए थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। चलिए ये देखिए ओपन हो रहा, वर्किंग इन बैकग्राउंड थोड़ा सा कहीं कहीं पर शो हो जाता है। ओके, तो ओपन हो जाएगा, अभी थोड़ा सा सिस्टम पे लोड ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा, बट देखिए वर्किंग इन बैकग्राउंड का सिंबल आ रहा है, मतलब पीछे कुछ ना कुछ लोड हो रहा है बैकग्राउंड में। यस, ओके, तो कुछ कुछ लोड होते जैसा लग रहा है। ओके देखिए क्या लिख के आ रहा है, यस अपडेट नाउ। ओके देखिए मेरा सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट अपडेशन मांग रहा है और मैं अभी इसको अपडेट नहीं करूँगा। ओह कोई बात नहीं है, लुक्स गुड, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, मतलब मैं बाद में आपकी सुविधाएं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे साइन इन, मुझे अभी साइन इन नहीं करना है भाई, आप जाइए यहाँ से। ओके मत लोडो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यस ये देखिए ये मेरे, ओ माय गॉड, मैंने 5 बार क्लिक कर दिया था गलती से, इसलिए 5 डॉक्यूमेंट ओपन हो गए हैं, मैं इनको 5 को ख़त्म कर दिया और एक डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। देखिए मैं ऑफिस 2010 बोल गया था गलती से और मैं क्या चला रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, मतलब आपकी बुक में 2010 चल रहा भाई साहब। अब मेरे पास मेरे कंप्यूटर में जो सेव है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, मतलब मैं 9 साल अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना, 9 साल, 9 साल में तो बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, वो बोलने लगता, वो खेलने लगता, इवन वो स्कूल भी जाने लगता है ना जी। इवन युवराज आप कितने साल के हैं, 8 ईयर के भाई साहब हैं, और अपना जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वही 9 साल का हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। ओके ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है, अभी भी देखिए यहाँ पे 3-4 डॉक्यूमेंट ओपन हो रहे हैं गलती से, तो मैं इनको बारी बारी कैंसिल करता जाऊँगा नहीं तो मेरा सिस्टम हैंग करेगा। चलिए तो 4 डॉक्यूमेंट मैंने गलती से क्लिक करके खोल लिए थे, ये भाई तुम भी चले जाओ, ये भी चला गया, इनको हमको रवाना करना है धीरे धीरे। ओके एक और बचा, ये भी गया। ओके अब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बचेगा थोड़ी देर में, ये देखिए। ओके अब फाइनली मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बचा हुआ है और मैंने इसलिए इसको एक ओपन कर लिया जिससे कि मेरी कंप्यूटर की स्पीड कम ना हो, अगर आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपकी स्पीड जो होगी वो सपोर्ट नहीं करेगी। चलिए एक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया, तो आपने देखा क्लिक ऑन स्टार्ट, स्टार्ट बार पे क्लिक किया और स्टार्ट बार के टिक करने के बाद आप कहाँ पर गए, प्रोग्राम पे। तो मेरे पास जो बच्चों विंडोज 10 है ना उसमें प्रोग्राम मेरे को जाना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम दिख जाते हैं, तो मैंने डायरेक्टली एमएस ऑफिस में गया, एमएस ऑफिस से अपन ने प्रोग्राम ओपन कर लिया। भाई ओपन हो गया है, हाँ जी
अब प्रोग्राम ओपन होने के बाद आपको याद होगा किस पे गए थे अपन, प्रोग्राम ओपन होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अपन ने क्या चुना था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। अब इसमें 2010 होगा तो 2010 आएगा, अपने में तो 2019 है तो 2019 आएगा। एम एस वर्ड 2010 विंडोज़ ओपन विद अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉर यू टू वर्क। यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, ये देखिए, और ये डॉक्यूमेंट आपके लिए खुला है कि आइए मुझ पर वर्क कीजिए। ये देखिए एक पेज के जैसे, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, अब आपको बेहतर दिखाई देगा। ये खाली पेज है पूरा का पूरा, कैसा पेज है, खाली पेज है, जिसमें आप इसको पूरा का पूरा भर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। खैर आगे पढ़ते हैं, देखिए। ओके, तो अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड 2010, इसके हिस्से के बारे में हम पढ़ते हैं कि पार्ट्स क्या होता है भाई। लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, हम इसके अलग अलग हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे ऊपर आपको ये ब्लू कलर की बार दिखाई दे रही है भाई साहब, तो सबसे ऊपर ब्लू कलर की जो बार होती है, इस बार को बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको, टाइटल, क्योंकि इसमें ये देखिए इसमें टाइटल लिखा रहता है। जैसे मेरी इस बार का टाइटल है डॉक्यूमेंट टू, क्या नाम है, डॉक्यूमेंट टू, ये कहलाती है टाइटल बार। ये क्या कहलाती है, टाइटल बार। भाई आप इसका रंग अपने से दे सकते हो, मैं आँखों पर मेरी जोर ना पड़े इसलिए मैंने इसका रंग कैसा दे दिया है, ब्लैक कलर दे दिया। ओके, ये ऊपर सबसे पहले टाइटल बार है। अच्छा ये देख रहे हैं आप, कुछ आपके सामने दिया गया है इधर पर, ये चार पांच दिए हैं ना किनारे में, देखिए चार पांच है ना जी, ये दिए हैं चार पांच। बेटा इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस बार, जी हाँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो कुछ दिए रहते हैं कोने में, ये इतने से, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। इसकी मदद से क्या होता है, जल्दी से कोई भी चीज़ टूल बार ओपन हो जाता है ना। कुछ भी चीज़ आपको चाहिए होती है तो आप, जैसे आपको सेव करना है तो आप फटाक से यहाँ से सेव कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फटाक से सेव कर लेंगे। ओके, ये हो गया, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। आगे चलते हैं, देखिए आगे ये देखिए कंट्रोल बटन है, विंडोज़ कंट्रोल बटन, मतलब आपकी विंडो को जो दिख रही है आपके सामने, विंडो ये पूरी की पूरी दिख रही है, ये जो आपके सामने पूरा दिख रहा है इसको विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विंडो। इस विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं, विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, विंडो को छोटा कर सकते हैं, ये देखिए छोटी हो गई, और विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं। तो भाई मुझे क्लोज तो अभी करना नहीं है तो मैं क्लोज नहीं दबाऊंगा, है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको अपन बोलते हैं ये ऑफिस तो बंद कर दो भाई, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, मैंने बंद कर दिया, हाँ। तो इसे कहते हैं विंडोज़ कंट्रोल बटन्स। ओके, अब आइए देखते हैं इसके आगे, देखिए इसके आगे ये नीचे कुछ लिखे रहते हैं बटन्स। ओके, इनको बोलते हैं हम टैब, क्या बोलते हैं इनको हम, ये टैब बोलते हैं। तो देखिए मैं आपको टैब दिखाता हूँ, ये टैब ये दिख रहा है आपके सामने। तो टैब में कौन कौन है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मीलिंग्स है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है। देखिए मैं विंडोज़ 2019 चला रहा हूँ, मैं माइक एम एस वर्ड 2019, इसलिए मेरे में काफ़ी सारे बटन बढ़ गए हैं, मगर मैं आपको बता दूँ 2010 में इतने बटन नहीं थे। तो देखिए इनके में जो बटन है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, प्रेफरेंसेस है, मेलिंग्स है, व्यू है, और क्या है एक और दिख रहा मेरे को कुछ लास्ट में, है ना, एक्रोबैट, एक्रोबैट कुछ करके है। तो उतने सारे बटन नहीं है जितने सारे मेरे में है, और मेरे में तो लिखा हुआ है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, बताओ तुम क्या करना चाहते हो और क्या कमी है वो भी हम तुम्हें ला करके दे दें। मतलब इसमें एक हेल्प बटन भी दिया गया है, बट आप देखिए यहाँ पर कोई हेल्प नाम का बटन दिया नहीं गया है। तो अपनी जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना वो अपडेटेड है। तो ये क्या कहते हैं, टैब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं इनको, इनको हम टैब्स बोलते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर में ब्लिंक करते हुए, इनको हम टैब बोलते हैं। आइए बात करते हैं, देखिए आगे क्या बेटा, ये बीच में एक बड़ा सा पट्टा दिख रहा है बेटा, इसको रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिबन। आप कहेंगे सर अपना रिबन कहाँ गया, भाई आपके सर ने आपका जो रिबन है उसको हाइड कर दिया, क्या कर दिया है, हाइड कर दिया। जो अपना रिबन यहाँ पर था मैंने आपके रिबन को हाइड कर दिया है। ओके, यस, ओके, ये तो दूसरी चीज़ हो गई है। तो अपना रिबन जो है हाइड हो गया, ये देखिए मैंने अपना रिबन ले आया, ये अपना रिबन हो गया। देखिए इसको कैसे करते हैं, अगर आप इसको दबा देंगे तो ये ऊपर वापस चला गया, ये देखिए ऊपर वापस चला गया, चला गया ना जी, रिबन गायब हो गया है। ओके, देन इसको वापस लाने के लिए कहाँ पे जाइए, व्यू पे जाइए, कहाँ पे जाइए, व्यू पे, और व्यू पे जाएंगे, जैसे ही आप व्यू को क्लिक करेंगे ये देखिए तो रिबन आ चुका है वापस, व्यू को क्लिक करेंगे तो रिबन आ चुका है, अगर आप फिर यहाँ क्लिक कर देंगे तो रिबन गायब हो गया है, और जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे, उठाइए माउस, चलिए व्यू पे क्लिक कीजिए, हाँ व्यू पे क्लिक कीजिए,
ये देखिए रिबन आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि रिबन हमारा हमारी जगह से हटे ना, यहीं पर रहे, तो ये देखिए यहाँ पे एक पिन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? इसको क्लिक कर दीजिए तो ये रिबन पिन हो जाएगा। ये पिन हो गया, अब आपका रिबन नहीं हटेगा, आप काम करते रहिए, आपका रिबन यहीं पर रहेगा। ये देखिए आपका रिबन जो है यहीं पर रहेगा। ओके, यस। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिबन। क्या कहलाता है? ये रिबन। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं रिबन। ओके, ये रिबन भी हो गया। आगे बात करते हैं, ये आपके सामने ब्लिंक हो रहा होता है कि आओ लिखो, इसको कर्सर बोलते हैं, इसके बारे में तो आप जानते हैं। देन इसके बारे में ऊपर ये जो दो स्केल जैसे दिख रहे हैं आपके सामने, जैसे कुछ लिखा स्केल लग रहा ना, एक सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर, बेटा इसको रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूलर। तो देखिए मैं आपको रूलर भी दिखाई देता हूँ। ये देखिए एक रूलर ये है और एक रूलर ये है, एक ऊपर नीचे है और एक लेफ्ट राइट पे है, रूलर है लेफ्ट में। ओके, ये रूलर कहलाता है, आर यू एलियर्स। देन इसके बाद जो आपके पास जो काम करने के लिए जगह, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एरिया। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पर आप कर्सर की मदद से कुछ लिखेंगे, जैसे आपको युवराज लिखना है तो आप लिखेंगे तो वो कहलाता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एरिया। देन इसके बाद आपके पास यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या पता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं स्क्रोल बार। क्या बोलते हैं इसे? स्क्रोल बार, मतलब कि ऊपर और नीचे ले जाने के लिए इस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो एक स्क्रोल बार अभी लंबे में है मेरे में, ऊपर और नीचे देखने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बड़ा है और ये बहुत चीज पेज बहुत छोटा है, सॉरी पेज बहुत बड़ा है और मेरे सामने जो दिख रहा है वो बहुत छोटी सी जगह है, तो ये मैं इसको मैं स्क्रोल बार का यूज करूंगा। अगर आपका पेज बहुत बड़ा कर देंगे ना आप, तो आपके सामने यहां पर एक वो आ जाएगी। देखिए अब आपका पेज बहुत बड़ा हो चुका है, ना, तो आप पेज को छोटा करने के लिए ये दबा सकते हैं, ये इस पेज को छोटा कर सकते हैं आप, ठीक है ना? यस यस, ये देखिए तो आप पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो चीज कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया स्क्रोल बार, ये चीज कहलाती है स्क्रोल बार। तो एक स्क्रोल बार साइड में होती है और एक कहाँ होती है? नीचे। ओके, साइड में ऊपर नीचे करती है और इधर वाली क्या करती है? दाएं बाएं। क्या करती है? दाएं बाएं। और नीचे एक छोटी सी पट्टी यहाँ पे लिखी, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं इसको? और यहाँ पर अभी आपने देख लिया जूम स्लाइडर, जूम स्लाइडर तो आपने देख ही लिया, अभी मैंने यूज किया था, देखो जूम करते जाओ, जूम हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, है ना? और इस ये जूम स्लाइडर होता है। ओके, और ये देखिए ये क्या है? स्टेटस बार है। क्या है ये? ये जो नीचे दिख रही है इसको स्टेटस बार है। अभी बताता है स्टेटस कि आप जो है पेज नंबर वन पे हैं। देखो क्या लिखा, पेज वन ऑफ वन, वन ऑफ वन मतलब अपनी किताब के पहले पन्ने पे ही है और आपकी किताब भी एक पन्ने की ही है, मतलब एक पन्ने की किताब में आप पहले पन्ने पर ही हैं। अब चलिए मैं पेज बढ़ाता हूँ, देखिए पहला पेज है, मैं पेज बढ़ाता हूँ, तो पेज बढ़ाने के लिए मुझे इंटर करते जाइए, देखिए पेज के एंड में आ जाएगा, ये देखा आपको दूसरे नंबर पेज में आ गया, ये दूसरा पेज शुरू हो गया। चाहे तो कुछ लिख भी नहीं, ये देखो भैया अपन ने लिख दिया, थोड़ा बड़ा कर दो भाई। तो बड़ा करने के लिए क्या करिए, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाके साइज बड़ा कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए 28। अब देखो लिखो, ये देखो बड़ा आ रहा है ना। आपको कलर चेंज करना है लिखने का, तो कलर जाइए, कहाँ पर चेंज होगा? इस पर कलर पर, कलर कहाँ पर? इस पर, हाँ इस पर जाके आप जो है रेड कलर ले लीजिए। अब आप लिखेंगे तो आपका रेड कलर से लिखेगा। ओके, ये देखिए आप रेड कलर से लिख रहे हैं। तो ये कौन सा पेज है? पहला पेज है। कौन सा पेज है? पहला पेज है। देखिए क्या आ रहा है, पेज वन ऑफ टू, मतलब दो पेज की किताब में आप कौन से पेज पे हैं? फर्स्ट पेज पे हैं। ओके, क्लियर हो गया? यस। तो ये आपको सब कुछ बताएगा कि आपने कितने, कौन से नंबर पेज पे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। क्या बोलते हैं इसको? आइए अब हम बात करते हैं बारी बारी टाइटल बार, टाइटल बार के बारे में। टाइटल बार कहाँ है? सबसे ऊपर है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। तो टाइटल बार क्या होती है? इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ये आपके प्रोग्राम का नाम दिखाती है, एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो दो चीज़ें दिखाती है, डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम। कहाँ है भाई प्रोग्राम का नाम? ये देखिए वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड प्रोग्राम का नाम है और ये डॉक्यूमेंट का नाम, डॉक्यूमेंट टू। आप चाहें तो चलिए इसका डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर देते हैं, अभी अभी इसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट टू है। आप चाहें तो इसका कोई भी नाम जो है चेंज कर सकते हैं, इसका नाम आप बदल सकते हैं, ठीक है ना? इसका नाम जो है आप बदल सकते हैं, कुछ भी आप इसका नाम दे दें। चलिए खैर अभी नाम बदल देंगे बाद में, अभी मैं बदलना आपको सिखा दूँगा। यदि यहीं पर हो जाता है तो मैं यहीं पर बदल देता हूं, डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा मैं।
चलिए इसका नाम मैं कर देता हूँ लोकेश। क्या नाम कर देता हूँ? लोकेश नहीं कर रहा हूँ, युवराज कर देता हूँ इसका नाम। चलिए युवराज, इस डॉक्यूमेंट का नाम मैंने युवराज कर दिया है और ये मैंने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट का नाम। अब देखिए बदल चुका है, ये डॉक्यूमेंट है युवराज वर्ड, युवराज वर्ड मतलब डॉक्यूमेंट का नाम है युवराज और प्रोग्राम का नाम क्या है? वर्ड। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इट डिस्प्लेस द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। वर्ड गिव्स अ टेम्परेरी नेम डॉक्यूमेंट वन। जब आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, जब आप कोई नाम नहीं देंगे तो अपने आप जिस नाम के साथ वो खोलेगा उसका नाम क्या होगा? डॉक्यूमेंट वन। जैसे अभी खुला था पहले तो उसका नाम डॉक्यूमेंट वन था। टू योर न्यू डॉक्यूमेंट, टू योर न्यू डॉक्यूमेंट। यू कैन चेंज दिस नेम बाई सेविंग योर डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम। आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो अभी अभी मैंने बताया आपको क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर होता है, ये होता ऊपर। इसमें जो जो चीज़ काम की होती हैं वो होती हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट, एकदम लेफ्ट में, टॉप में होता है लेफ्ट में, ये राइट होता है और ये क्या होता है? लेफ्ट। लेफ्ट में टाइटल बार के लेफ्ट में होता है। इट कंटेन्स कॉमनली यूज बटन लाइक सेव, अंडू, रीडू एटसेट्रा। तो इसमें कौन कौन से बटन होते हैं? अंडू होता है, रीडू होता है, ये बटन होते हैं। अब आप कहोगे सर ये अंडू रीडू क्या भाई साहब? चलिए मैं आपको अंडू रीडू बता देता हूँ। तो पहले क्या करिए कि कुछ लेटर आप लिख लीजिए, यहाँ पर मैं साइज बढ़ा देता हूँ तो मज़ा आएगा। ये अपन ने लेटर लिख दिया, चलो क्या लिख दिया? युवराज is king of day, युवराज दिन का राजा है। ओके, ये मैंने लिख दिया है। अब मान लीजिए कि आप अंडू कर रहे हैं, अंडू मतलब जो काम आपने किया था आपको वापस कर रहे हैं उसको। तो ये देखिए अंडू करते जाइए, ये देखिए वापस हो गया, ये और करेंगे और गायब हो जाएगा, समझ गए ना? रीडू कर देंगे मतलब जो काम किया था उसको वापस ले आइए। तो ये देखिए ये जो है रीडू कर देंगे तो ये वापस आ गया। तो एक हाँ यस, अंडू मतलब यदि आपसे कोई गलती हो गई आप बैक कर लीजिए, आप उसको अंडू कर देंगे और रीडू कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया, बन जाएगा। अंडू करने के लिए, वापस अपनी चीज़ को हटाने के लिए आप कंट्रोल जेड का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? ये देखिए कंट्रोल जेड से आपने अंडू कर दिया। ओके, और आप रीडू भी कर सकते हैं। रीडू करने के लिए आपको कंट्रोल वाई यूज़ करना पड़ता है, कंट्रोल वाई, सॉरी कंट्रोल वाई यूज़ करेंगे। ये तो कुछ और ही हो दब गया मुझसे, कंट्रोल वाई। चलिए कोई बात नहीं, वो डेटा ही चला गया वहां से। ओके, युवराज इज किंग ऑफ डे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम सीख चुके हैं अंडू रीडू का मतलब। ओके, अब बात करते हैं रिबन की। किसकी बात करते हैं? रिबन की। वो बड़ा सा पट्टा जो आपको दिखता है ना, ये क्या कहलाता है? रिबन। ये जो आपके सामने दिख रहा होता है इसको क्या कहते हैं जी? रिबन, ठीक ना? मैं आपके सामने रिबन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपके सामने रिबन। कहाँ गया भाई? ये देखिए रिबन की फोटो, ये पूरा का पूरा दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? पट्टा, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पट्टा क्या कहलाता है? इसको रिबन कहते हैं, ठीक ना? चलिए देखिए रिबन, द रिबन इज लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के कहाँ होता है? नीचे होता है। ये क्विक एक्सेस टूल बार के कहाँ होता है? नीचे। देखिए इधर क्या होती है? क्विक एक्सेस टूल बार, उसके जस्ट नीचे रिबन बैठा होता है, होता है ना? इट इज मेड अप ऑफ द टैब्स एंड ग्रुप्स। ये जो होता है इसमें टैब होते हैं और ग्रुप होते हैं, टैब होते हैं और ग्रुप होते हैं। देखिए टैब कहाँ है, ग्रुप कहाँ है। ये जो कहलाता है इसके ऊपर जो रिबन में बीच में होते हैं, इसमें टैब और ग्रुप हुआ करते हैं। एक सेकेंड, इट इज मेड ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स। ईच टैब हैज अ सेट ऑफ कमांड प्रेजेंट इन एज बटन्स। दीज बटन्स आर कैटेगराइज इन वेरियस ग्रुप्स। दीज बटन्स आर कैटेगराइज इन वेरियस ग्रुप्स। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए ये आपका क्या हुआ, टाइटल बार के नीचे रिबन, रिबन के नीचे ये जो था टाइटल बार था, उसके नीचे ये था रिबन, समझ गए ना? और आपने इसे क्या बोला था? एक सेकेंड देखिए जी, हाँ इसे आपने रिबन बोला था और ये जो थी टाइटल बार थी, ठीक है ना जी? ओके, और ये क्विक एक्सेस टूल बार था। क्या था ये? क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये है टैब, क्या है ये? टैब। ये क्या है? टैब है, है ना टैब। अब आप ध्यान से देखिए, एक टैब होम है, होम टैब के अंदर ये देखो पहला ग्रुप बना है, बना है कि नहीं बना है?
ये दूसरा ग्रुप बना है, देखो बना है कि नहीं बना, ये तीसरा ग्रुप बना है, ये चौथा ग्रुप बना है। तो जितने टैब हैं आप अलग अलग टैब पे जाइए, आपको अलग अलग ग्रुप मिलते जाएंगे। ये देखिए पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, तो अलग अलग टैब पे क्लिक करो और आपको अलग अलग ग्रुप मिलते जाएंगे। ये देखिए एक बड़ा इंटरेस्टेड है ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ें मालूम आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं इसमें, तो स्पार्कल भी है। हाँ स्पार्कल कलर मतलब कि आप लिखेंगे और अलग अलग कलर आएगा। देखिए मैं स्पार्कल का कमाल आपको करके दिखाता हूँ। ओके ये मेरे पास एक स्पार्कल पेन है, तो मैं इससे लिख करके दिखाता हूँ, हेलो डैडी, ओके आई लव यू। तो ये देखिए स्पार्कल कलर है, कितना प्यारा चल रहा है। ओके आप इसमें स्पार्कल कलर में चेंज कर सकते हैं, आपको कोई दूसरा कुछ चाहिए है ये आ जाइए। चलिए स्काई वाले से लिखते हैं, अपन दूसरे पेज पे लिखते हैं ना। ओके यहाँ लिखता हूँ देखिए, यस तो ये देखिए, ओके ये देखिए ये आपने चेंज कर दिया स्पार्कल, तो कितना अच्छा कलर आ रहा है। और आप चाहें तो इसको डार्क करके कि ऐसा ऐसा बना सकते हैं, ऐसे विशेष कुछ अलग टाइप की पेंटिंग आ रही है अलग अलग, जो भी उठा लें आप। ये उठा लिए तो देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फर्श, हाँ ये ग्लिटर अलग अलग टाइप के, स्पार्कल बोल दो ग्लिटर बोल दो, अलग अलग टाइप के इसमें पेन हुआ करते हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं ना इसमें। ओके तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ पे रेफरेंसेस हैं, यहाँ पे ड्राइंग है, यहाँ पे इंसर्ट है। ओके इंसर्ट में आप पिक्चर ला सकते हैं, अगर आपको कोई शेप लाना है तो आप यहाँ से कोई शेप ले आइए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको ये चाहिए, सर्कल चाहिए, तो बस अब आप कुछ नहीं करना, आपको ये सर्कल आपने ला दिया है, उसको मूव कर दीजिए जहाँ जहाँ ले जाना है, जो इसमें लिखना हो आप लिख लें। आपको लिखना हाई, ओके आपको ये बनाना है ये बना दीजिए, जो भी। तो बड़ी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें हैं इस टैब के अंदर, खूब सारे एक रिबन के अंदर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। आइए तो मैं क्या कह रहा था, द रिबन इज लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार, इट इज मेप ऑफ द टैब्स एंड ग्रुप्स, ईच टैब हैज़ अ सेट ऑफ कमांड प्रेजेंट एज बटन। हर टैब में बहुत सारे कमांड होते हैं जो बटन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको बस आपको क्लिक करना पड़ता है। दीज बटन्स आर फर्दर कैटेगराइज इन वेरियस ग्रुप, ओके और इन बटन में अलग अलग ग्रुप होते हैं। अब बात करते हैं टैब की, क्या बात करते हैं टैब की, रिबन हो गया, रिबन में आपने देख लिया काफ़ी सारे ग्रुप्स थे, टैब यानी कि यही जो मैं आपको बता रहा था ये टैब्स हैं। ओके कौन कौन सा, पहला टैब कौन सा, फाइल टैब है, फिर होम है, फिर व्यू इंसर्ट है, फिर ड्रॉ है, तो अलग अलग आपके साथ टैब बने हुए हैं। ओके टैब्स आर लोकेटेड बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे कौन होते हैं, टैब होते हैं। दीज आर 9 टैब्स प्रेजेंट इन द वर्ड, इसमें 9 टैब प्रेजेंट हुआ करते हैं। भाई मैं जरा गिन लूँ कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई मेरे में तो 12 हैं, विंडोज़ 10 में 9 रहे होंगे। वेरी गुड बेटा, ओके प्रेजेंट इन द वर्ड, ईच टैब हैज़ स्पेसिफिक ग्रुप रिलेटेड टू द फंक्शन एंड कमांड विच आर यूज टू कम्प्लीट द टास्क। हर टैब में एक ग्रुप रिलेटेड है, एक क्या रिलेटेड है, ग्रुप। जैसे आप किसी भी टैब में जाएंगे तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, जैसे आपने ये देखा इंसर्ट, तो इंसर्ट टैब में देखिए एक ग्रुप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है, और इस ग्रुप के क्या है, कुछ फंक्शंस हैं। क्या है ग्रुप के, फंक्शंस हैं। चलिए अलग अलग फंक्शंस हैं ग्रुप के, आगे देखते हैं। विंडो कंट्रोल बटन, भाई हर कोई जानता है, ऑन करने के लिए, ऑफ मतलब रीस्टोर करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। विंडो कंट्रोल बटन आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, ये देखिए ये विंडोज़ कंट्रोल बटन है, ऊपर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये विंडो कंट्रोल बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार, ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार, ये टाइटल बार है, इसके राइट साइड में ये विंडो कंट्रोल बटन दिए गए हैं ऊपर। ओके देयर आर 3 विंडो कंट्रोल बटन विच आर यूज टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर। ये रीस्टोर कौन सा होता है, बीच वाला रीस्टोर, अब दबा दो तो रीस्टोर मतलब पुराना फैल जाएगा। ओके एंड क्लोज द विंडो, एंड क्लोज द विंडो। जूम स्लाइडर, भाई जूम स्लाइडर तो आपने देख लिया ना, कहाँ पर है जूम स्लाइडर, ये बैठा है जूम स्लाइडर, है ना, ये देखिए कितना बड़ा हो रहा है युवराज, कितना बड़ा दिख रहा है, तो ये जूम स्लाइडर होता है, ये जूम कर सकता है। जूम स्लाइडर, जूम स्लाइडर इज लोकेटेड एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, मतलब बॉटम मतलब नीचे, राइट मतलब दाएं। इट इज यूज टू इनलार्ज एंड रिड्यूस द साइज, इनलार्ज मतलब बड़ा करना, इनलार्ज मतलब बड़ा करना, रिड्यूस मतलब छोटा करना साइज ऑफ द विंडो क्विकली एंड ईजली, क्विकली और ईजली छोटा बड़ा करने के लिए यूज करते हैं। रूलर तो जान गए भाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से
दाएं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। देयर आर टू रूलर्स, एक मिनट, हाँ जी, ये भी रूलर है, वेरी गुड, ये भी क्या है साइड में रूलर। ऐसा नहीं कि रूलर, देखो बेटे यहाँ भी रूलर है, अपनी बुक को अपन ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं ना, तो ये रूलर है, इसी को रूलर बोलते हैं। देयर आर टू रूलर, एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, कौन सा रूलर होता है, और एक है वर्टिकल रूलर, कौन सा रूलर है, वर्टिकल रूलर। ये देखिए हॉरिजॉन्टल रूलर आपको नीचे आ गया कि नहीं आया, इसको ले जाके मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, ये है हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये वाला रूलर कौन सा रूलर है, वर्टिकल। तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल को गायब कर दिया, मुझे काम का नहीं है। देयर आर टू रूलर, द हॉरिजॉन्टल रूलर अपीयर एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, द हॉरिजॉन्टल रूलर अपीयर एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द वर्टिकल रूलर अपीयर एट द लेफ्ट। जो हॉरिजॉन्टल रूलर होता है वो टॉप पे मिलता है, बट ऐसा कहीं नहीं है मेरे में हॉरिजॉन्टल रूलर टॉप पे नहीं है, और वर्टिकल रूलर ये लोग कह रहे हैं लेफ्ट में है, कहाँ है, लेफ्ट में, बट ध्यान से देखिए मेरा रूलर तो राइट में है, ये राइट हुआ ना, मेरा जो वर्टिकल रूलर है ऊपर नीचे वाला वो कहाँ पे बैठा हुआ है, राइट में। तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको लेफ्ट में भी ले जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं स्क्रोल बार्स, किसकी बात करते हैं, स्क्रोल बार्स। द वर्टिकल स्क्रोल बार इज लोकेटेड अलॉन्ग द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन एंड इज यूज टू मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन। यू कैन क्लिक एंड ड्रैग वर्टिकल स्क्रोल बार अप एंड डाउन। द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार इज लोकेटेड अबव द स्टेटस बार एंड यूज टू मूव लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस योर डॉक्यूमेंट। ओके, स्क्रोल बार की बात ये कर रहे हैं कि स्क्रोल बार, ये देखिए ये स्क्रोल बार्स हैं आपके सामने, सॉरी रूलर में थोड़ा सा गलत बता गया बच्चों, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे, रूलर में बता गया, हाँ वो सही कह रहा था, रूलर मैंने एक्चुअली बार को रूलर बता दिया। देखिए टॉप में है हॉरिजॉन्टल रूलर, कौन है ये, ये देखिए जो ये रूलर पढ़ाना था एक्चुअली मेरे को, तो रूलर का डायप देख लो कैसा दिखता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रूलर है, दिख रहा है ये, तो ये ऊपर ही तो बैठा हुआ है, मैं गलती से बोल गया था, ये रूलर है टॉप वाला, और लेफ्ट में देखिए ये रूलर बैठा हुआ है, ये रूलर इधर बैठा हुआ है लेफ्ट में, हाँ जी ये देखिए ये लेफ्ट साइड में ये रूलर बैठा हुआ है, बैठा ना कि नहीं बैठा, हाँ तो मैं स्क्रोल बार गलती से बोल गया, रूलर तो ये हैं और स्क्रोल बार ये हैं जो ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोल बार। तो अब हम पढ़ने आए हैं स्क्रोल बार, तो स्क्रोल बार क्या होते हैं, एक होता वर्टिकल स्क्रोल बार, वो क्या करता है हमारे डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे करता है। तो वर्टिकल स्क्रोल बार इज लोकेटेड अलोंग द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन एंड इज यूज टू मूव योर डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन। यू कैन क्लिक एंड ड्रैग वर्टिकल स्क्रोल बार अप एंड डाउन। आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लिक कर सकते हो या ड्रैग कर सकते हो, क्लिक मतलब ये देखिए क्लिक कर देंगे सीधे ऊपर आएगा ये, ड्रैग मतलब पकड़ के घसीटना, ड्रैग मतलब पकड़ के, आप उसे पकड़ के भी ऊपर नीचे घसीट सकते हैं। द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार इज लोकेटेड जस्ट अबव द स्टेटस बार। जो हॉरिजॉन्टल बार होती है वो कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है स्टेटस बार के ऊपर, ये देखिए ये ले आया मैं हॉरिजॉन्टल, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल बार आ चुकी है, इसे आप राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मूव लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस योर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, सॉरी अक्रॉस योर डॉक्यूमेंट। यू वॉन्ट सी हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार इफ़ विड्थ ऑफ योर डॉक्यूमेंट फिट्स ऑन द स्क्रीन। कह रहा है कि अगर आप कि स्क्रीन जो है फिट बैठी है, जैसे अभी देखिए आपकी स्क्रीन अंदर है, बाहर नहीं जा रही है, नहीं जा रही ना, तो आपको आपको स्क्रोल बार दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए अभी ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए फिट हो गया ना, अंदर ही है ना इस अपने दिखने, ये भी अंदर है ना, ये भी अंदर है ना, इतना इतना हाँ इतना अंदर है ना, तो आपको स्क्रोल बार नहीं दिखाई देगा। बट जैसे ही आपने देखिए अभी भी अंदर है, बिल्कुल फिट है, बट अब आपको स्क्रोल बार पैदा हो गई अपने आप आगे पीछे करने के लिए, क्योंकि आपकी जितनी कंप्यूटर की स्क्रीन है उससे आपका डॉक्यूमेंट बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है बाहर, अब आपको देखने के लिए। तो मैं छोटा कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं इतना बड़ा देखने की। आइए अब बात करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एरिया, जितने एरिया पर आप काम करते हैं ना उसको बोलते हैं क्या, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एरिया। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, इसको अपन शायद बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी जितना हो पा रहा हम लोग करते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एरिया जस्ट बिलो द रूलर इज ए लार्ज एरिया इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। मतलब कि रूलर के नीचे, ये देखिए इतना बड़ा एरिया रूलर के नीचे, ये पूरा जो आपको एरिया दिख रहा है, मैं जितना दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, और भी बड़ा ये नीचे भी है, तो इस पूरे एरिया को जो व्हाइट कलर का पेपर है इसको बोलते हैं आप लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एरिया।
यस, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एरिया या टेक्स्ट एरिया। यू टाइप योर टेक्स्ट और कंटेन इन द टेक्स्ट एरिया, द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट एरिया इज कॉल्ड कर्सर ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, कर्सर और द इंसर्शन पॉइंट। तो ये जो आपके सामने ब्लिंक कर रहा है, कहाँ पे भाई, इधर ये है, ये ब्लिंक कर रहा है, इसको और ऊपर ले जाता हूँ मैं, चलिए ये देखिए जो ब्लिंक कर रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर या इसी को बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसर्शन पॉइंट मतलब जिस पॉइंट से आप कोई चीज़ इंसर्ट कर पाओगे या अंदर कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन पॉइंट। एज यू टाइप योर टेक्स्ट इज डिस्प्लेड एज द कर्सर लोकेशन, आप जहाँ टाइप करेंगे तो जिस जगह पर कर्सर है वहाँ पर आपके टेक्स्ट आते जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेटस बार की, किसकी बात करते हैं? तो स्टेटस बार आपने देख लिया, सबसे नीचे हुआ करती, ये देखिए जो बार दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। देखिए आप लोग को नहीं लिखी, यदि नहीं लिखी तो चलिए मैं थोड़ा सा अलग से करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो नीचे जो बार लिखी रहती है जिसमें लिखा पेज वन ऑफ टू, सेवन वर्ड्स हो गए हैं, मतलब आपने सात अक्षर लिख दिए, कितने अक्षर अभी तक, मतलब आपने इस पेज पर जितने अक्षर लिखे हैं वो पूरे आ जाएंगे, अक्षर वर्ड्स, लेटर्स नहीं वर्ड्स, है ना? हाँ, तो ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। इट शो द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट लाइक पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, कौन सी लाइन पे हैं और आपने कितने वर्ड्स लिख दिए हैं, ये सब आपको बताता है। आ गया जी समझ में? तो इस तरीके से आप जो है अपना डॉक्यूमेंट चला सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगली वीडियो हम बनाएंगे कल, और कल हम आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है कल हमें, कि कल हमें पढ़ना है नंबर वन ओपनिंग, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। क्या करेंगे? क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, एक नई फाइल को हम क्रिएट करेंगे, जैसे अभी हमने करी थी, ये देखिए ये हमने नई फाइल क्रिएट करी थी। चलिए अब इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये कह रहा है कि Want to save your changes to युवराज, क्या आपने नई फाइल बनाई है युवराज के नाम से, क्या आप इसको सेव करना चाहेंगे? मैं लिख रहा हूँ डोंट सेव, मुझे सेव नहीं करनी। अब जो अपनी फाइल है वो हट चुकी है, उसमें कुछ भी सेव नहीं हुआ, समझ में आया? तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम नई फाइल को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम कैसे टाइपिंग करेंगे उसमें, टेक्स्ट में हम देखेंगे कि कैसे टाइपिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो टाइप किया उसको हम सेव कैसे करेंगे, उसको हम सेव कैसे करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट जैसे सेव हो चुका था उसे हम ओपन कैसे करेंगे, उसे हम ओपन कैसे करेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करेंगे। तो मैं प्रिंटर लगाऊंगा और जो आप लिखेंगे उसको हम प्रिंट करके भी निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं। आई बात समझ में? तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, उनको हम जो हमने पढ़ लिया उसको हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। डिफ़िकल्ट तो कोई चीज़ नहीं होती बच्चों दुनिया में, बस ये रहता है कि जो आप पढ़ते हैं वो आपको ईजी लगता है, जो नहीं पढ़ते हैं उसको आप डिफ़िकल्ट समझते हैं, उसको आप टफ समझते हैं। तो देखिए यदि हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है आज, तो एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड होता है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट हेल्प्स अस टू टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट, जो आपकी टाइप करने में, एडिट करने में मतलब उसको वापस सुधारने में, और फॉर्मेट मतलब कलर बदलने में इत्यादि में, सब आपकी मदद करता है। द वेरियस पार्ट ऑफ एमएस वर्ड विंडोज आर क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन रूलर, स्क्रोल बार, डॉक्यूमेंट एरिया एंड स्टेटस बार, ये आपके बहुत ज़रूरी के काम चीज़ें होती हैं, और बाकी की चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। ओके, जैसे क्वेश्चन आया है, अ फिल इन द ब्लैंक्स इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर, एमएस पेंट, एमएस वर्ड, तो करेक्ट आंसर क्या है? एमएस वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यस, एंड विच बार शोज द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट, कौन सी बार है जो डॉक्यूमेंट का नाम शो करती है? टाइटल बार। ओके, टू स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फाइल टैब, एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको फाइल से क्या लेना पड़ेगा? आंसर न्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो कल मैं आपको सिखा दूंगा, या मैं देख लेता हूं अगर फाइल ओपन होती है सामने तो मैं आपको अभी सिखा देता हूं। ओके, पड़ी हुई है, ये देखिए, जैसे आपको कोई नया डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, आप फाइल टैब में जाइए और न्यू ले लीजिए। ये देखिए, ये फाइल टैब है, क्या है ये? फाइल टैब में गए और आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करिए? न्यू। ये देखिए, न्यू आपका आ चुका है, न्यू फाइल आ चुकी है, और न्यू फाइल में पूछ रहा है कि आपको कैसी फाइल चाहिए। देखिए कितनी टाइप की फाइल बना चुकी हैं, अब वर्ड में कितनी प्यारी प्यारी फाइल आने लग गई हैं। ओके,
इतनी प्यारी प्यारी फाइल आने लग गई हैं, आपको बोलता है कौन सी फाइल चाहिए, और पूरी दुनिया अभी भी सीधे सीधे ब्लैंक फाइल का यूज़ करती, क्या यूज़ करती है, ब्लैंक फाइल का। ओके, मैं आपको एक ये फाइल लेके दिखाता हूँ, बट देखो बड़ी मज़ेदार होगी ये फाइल। ओहो, क्रिएट मतलब मुझे ही क्रिएट करना है, जरा कोशिश करते हैं भाई साहब, चलिए देखते हैं। ओके, तो ये फाइल मेरे सामने आ चुकी है, हालांकि यही ब्लैंक फाइल ही है, चलो कुछ नया नहीं है इसमें, ये भी कैसी फाइल है, ब्लैंक फाइल ही है। ओके, तो ये हमने इस तरीके से न्यू पे जाके, फाइल पे जाओ, फाइल पे जाके क्या करो, न्यू करो, और न्यू पे जाके आपको कैसी लेनी है, ब्लैंक लेनी है, तो ये जाके आप ब्लैंक ले लीजिए, ये आपकी फाइल खुल गई है। अब देखिए इसकी हेडिंग क्या आ रही है, डॉक्यूमेंट टू, क्या आ रही है, ये डॉक्यूमेंट टू क्यों आ रही है मालूम, क्योंकि ऑलरेडी आपने डॉक्यूमेंट वन किसी का नाम ले रखा है, तो डॉक्यूमेंट टू आ रही है। अगर आप इसके बाद एक और नई फाइल खोलेंगे तो बताइए उसका नाम क्या आएगा, डॉक्यूमेंट थ्री आएगा, अरे वन तो खुल चुकी ना, तो देखिए इसका नाम क्या आएगा, डॉक्यूमेंट थ्री। अगर आप एक और फाइल ओपन करोगे तो उसका नाम क्या आएगा, डॉक्यूमेंट फोर। मतलब जितनी नई फाइल आपकी ओपन होती जाएंगी उनके डॉक्यूमेंट के नाम बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये अपने नाम देख सकते हैं, तो आपने देखा नेम आ गया जी समझ में, कोई दिक्कत बन जाएगा ना, यस। तो बाकी की चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और युवराज बैच बहुत अच्छा बैच चल रहा है, जिसमें आपके साथ साथ युवराज भी पढ़ाई कर रहा है, वो भी आपके साथ कंप्यूटर सीख रहा है, और आप लोग तो सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।